मूवी स्टार्ट होती है 1519 स्पेन में, जहां पर हम एक एक्सप्लोरर को देखते हैं जिसका नाम कॉर्टेस है। ये एक एंशियंट सिटी को ढूंढ रहा था। साथ ही हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है मिगेल और टूलियो। ये दोनों मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे और उनसे पैसे निकलवाते थे। साथ ही यहाँ पर एक आदमी अपना मैप बैग में लगा देता है। यहाँ पर टूलियो देखता है कि ये वही एंशियंट सिटी का मैप है। बैग तो टूलियो को काफी रिस्की लग रही थी, बट मिगेल उसे समझाता है कि हमें गेम खेलनी चाहिए। अब वो आदमी इन दोनों की चालाकी को समझ आता है और कहता है कि हम ये खेलेंगे पर मेरी डाइस के साथ। इस बात से दोनों परेशान तो होते हैं, बट किस्मत इनका साथ देती है और उसकी डाइस से भी वही नंबर आता है जिससे ये दोनों जीत जाते हैं। यहाँ पर टूलियो सारा सोना और वो मैप उठा रहा था तो उसकी जेब में से उसकी अपनी डाइस निकलती है। ये वही डाइस थी जिसको जब भी यूज किया जाए तो एक ही नंबर आता था। जब सारे लोग देखते हैं कि ये तो चीटिंग किया करते थे, तो वो वहाँ के एम्परर को बुलाकर इनको पकड़वाने की बात करते हैं। अब यहाँ पर लोगों को बेवकूफ एक बार फिर से बनाकर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। अब भागते भागते इनका सामना एक एंग्री बुल से होता है। एक तरफ लोग इनके पीछे थे और एक तरफ ये बुल भी इनके पीछे पड़ गया था। अब छुपने के लिए ये दोनों दो बैरल्स के अंदर छुप जाते हैं। काफी देर के बाद पता चलता है कि इन बैरल्स को उठाकर एक शिप पर रख दिया गया है और वो शिप किसी और की नहीं बल्कि कॉर्टेक्स की ही है। शाम को इन दोनों को बैरल में से निकाला जाता है और कॉर्टेक्स के आदमी इन दोनों को पकड़ लेते हैं। कॉर्टेक्स इन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों मेरे गुलाम बनकर रहोगे। और ऐसे ही काफी ज्यादा दिन निकल जाते हैं और इनको कहीं से भी भागने का मौका नहीं मिलता। यहाँ शिप पर हम एल्टिवो नाम का एक घोड़ा भी देखते हैं जो कि कॉर्टेस का था, बट वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया करता था। अब मिगेल को इसी बात से एक आइडिया आता है जिसके बाद वो एल्टिवो को एक एप्पल देकर लालच देता है कि मेरी मदद करो, और ये घोड़ा भी मिगेल की मदद करता है। यहाँ पर उसको चाबी ला कर देता है जिसके बाद मिगेल और टूलियो यहाँ से निकल पड़ते हैं एक बोट में, बट इनके साथ एल्टिवो भी जम्प कर देता है क्योंकि वो भी इन दोनों के साथ आना चाहता था। इसके बाद अब ये दोनों और वो घोड़ा उसी बोट के ऊपर सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पानी की लहरें इनको बहा कर एक आइलैंड पे लेकर आती हैं, जिसके बाद आइलैंड देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आइलैंड पे पहुंचने के बाद इन दोनों को यहाँ पर कुछ स्कल्स नजर आते हैं। इनको देखकर तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर के सोचते हैं कि वापस जाया जाए, पर अचानक से मिगेल की नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़े से रॉक के ऊपर, जिसको देखकर उसे कुछ याद आता है। वो मैप निकालता है और देखता है कि ऐसा ही मैप के ऊपर भी रॉक बना हुआ है। उसे लगता है कि किस्मत चाहती है कि ये लोग उस एंशियंट गोल्ड सिटी को ढूंढ ही ले। टूलियो को ये बात समझ आ नहीं रही थी। वो फिर भी मिगेल से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, हमें वापस चले जाना चाहिए। पर मिगेल उसे समझाता है कि हमें ये सारा सोना अगर मिल गया तो हम दोनों की किस्मत तो बदल ही जाएगी। आखिरकार टूलियो भी इसकी बात में आ ही जाता है, जिसके बाद ये लोग उस मैप को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में इनको बहुत ही मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, बट ये लोग फिर भी हार नहीं मानते और आगे चलते रहते हैं। एंड में आके इनको एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत सारी कार्विंग्स भी हुई हुई थी। टूलियो को लगता है कि ये एक डेड एंड है, जिसके बाद वो मिगेल को बहुत ज्यादा डांटता है कि तुमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया हमारा। ये दोनों तो अभी इसी आर्ग्यूमेंट में थे कि यहाँ पर भागते हुए एक लड़की आती है। वो कुछ लोगों से भाग रही थी और इतनी ही देर में वो लोग भी उसके साथ आ जाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहे थे। अब ये लोग मिगेल और टूलियो को भी अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। ये सारे लोग उस लड़की और इन दोनों को वाटरफॉल के थ्रू एक रास्ते से आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की एक चोर है क्योंकि उसके हाथ में कुछ गोल्ड की चीजें थी। अब ये लोग इसी रास्ते से होते हुए उसी गोल्ड सिटी तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम एल्डोराडो था। सिटी के लोग इन दोनों नए लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसी तरह से खबर वहाँ के लीडर टेनाबोक तक भी पहुंच जाती है। ऐसे ही ये खबर उठते उठते यहाँ के इवल प्रिंस जिकाल तक भी पहुंच जाती है, जिसको लगता है कि ये दोनों लोग यहाँ के गॉड्स हैं। इसके बाद वो सब लोगों के सामने आता है और सबको कहता है कि मैंने ये प्रिडिक्शन दी थी कि यहाँ पर गॉड्स आएंगे। अब यहाँ पर मिगेल और टूलियो को भी इसी बात में फायदा नजर आ रहा था कि यहाँ के लोग उनको गॉड ही समझे, जिसके बाद वो इस बात की हाँ में हाँ मिला ही देते हैं। साथ ही ये प्रीस्ट उस लड़की को बाहर निकालता है और कहता है कि इसको पनिशमेंट के तौर पर मार दिया जाए, बट टूलियो उसको रोकता है और मना करता है कि इसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। प्रीस्ट को इस बात से थोड़ा सा मसला था, जिसके बाद वो थोड़ा आर्ग्यू करता है। जब मिगेल और टूलियो थोड़े गुस्से में आते हैं तो कोइंसिडेंट की बात ये थी कि साथ ही एक ऐसा वॉल्केनो था जो कि एक्टिव हो जाता है। अब ऐसे ही इस तरह की चीज देखकर सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों ही गॉड हैं और हम अपने गॉड को गुस्सा नहीं दिला सकते। इसके बाद ये सब लोग मिलकर इन दोनों को टेम्पल में ले आते हैं। टेम्पल में जब ये दोनों अकेले होते हैं तो ये प्लान करते हैं कि यहाँ से गोल्ड कैसे चुराया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जो
जो कि चोरी कर चुकी थी उसका नाम चल है और वो इन दोनों की बातों को सुन लेती है। उसको पता चल जाता है कि ये दोनों कोई गॉड नहीं है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं तुम लोगों के राज को राज ही रखूंगी अगर तुम दोनों मुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ। वो खुद भी यहाँ की लाइफ से बहुत तंग आ चुकी थी और अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहती थी। अगले दिन सिटी में इन दोनों के लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़िकाल एक आदमी की बलि देने लगता है इन दोनों के लिए, पर ये दोनों गॉड कहते हैं कि नहीं, आज किसी की भी बलि नहीं होगी। साथ ही टैना बुक इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा सोना भी लेकर आता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये गोल्ड जो इनके लिए लाया गया था वो लोग एक वर्लपूल में फेंक देते हैं। ये दोनों देखकर तो बहुत ही हैरान होते हैं कि ऐसे गोल्ड को नीचे कैसे फेंका जा रहा है। चैल इन लोगों को बताती है कि इन सारे लोगों को लगता है कि नीचे वर्लपूल में एक स्पिरिट सिटी है, जहाँ पर हम जो भी गोल्ड फेंके वो गॉड्स को मिल जाता है। इसके बाद चैल एक चलाकी दिखाती है, जिसके बाद वो टैना बोक को कहती है कि सारे गोल्ड को टेम्पल में भेज दिया जाए क्योंकि दोनों गॉड्स यही चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोटेस भी इस आइलैंड तक पहुंच चुका है इस सिटी की खोज में। यहाँ पर उसे वो बोट भी मिलती है जिसपे मिगेल और टूलियो आए थे और साथ ही उनके पाओ के निशान भी थे। दूसरी तरफ मिगेल और टूलियो वहाँ के लीडर टैना बोक को कहते हैं कि हमें एक बोट बना कर दो क्योंकि हमें दूसरी दुनिया से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। गॉड की बात को कौन ना माने, टैना बुक भी उनकी बात को मान लेता है। दूसरी तरफ टूलियो मिगेल से कहता है कि थोड़ा रिलैक्स रहे जब तक वो लोग इस जगह से निकल नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी थी जिनमें बहुत ही क्लियरली बताया गया था कि ये लोग इनको मार भी सकते हैं अगर इनकी सच्चाई सामने आ गई। पर टूलियो की इन सारी बातों का भी मिगेल पे कोई असर नहीं होता, वो सिटी में चला जाता है घूमने के लिए। यहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रिंस ज़िकाल ने लोगों को बहुत डरा के रखा हुआ है गॉड के नाम से, जिसके बाद वो वहाँ के सारे सोल्जर से कहता है कि लोगों को तंग मत करो और वो इन्हीं लोगों के साथ खेलता है और एंजॉय करता है। अब पता चलता है कि इसको ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। जब प्रीस्ट ज़िकाल मिगेल को ऐसे बच्चों के साथ खेलते देखता है तो उसे डाउट होता है कि गॉड तो ऐसे नहीं होते, जिसके बाद वो टूलियो के पास जाता है। वो टूलियो से कहता है कि अगर आप लोग ऐसे बहुत ही फ्री होकर लोगों के साथ मिलेंगे तो कोई भी आपसे डरेगा नहीं, तो हमें चाहिए कि हम किसी की बलि दे दें। बट इस बार भी टूलियो पहले की तरह उसे मना करता है कि किसी की भी बलि नहीं दी जाएगी। और इस बात के बाद तो ज़िकाल का शक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये दोनों गॉड्स नहीं होंगे। दूसरी तरफ कोटेस बहुत ही करीब पहुंच चुका था इस सिटी के। अब दूसरी तरफ ज़िकाल इन दोनों को कहता है कि अगर आप लोग गॉड हैं तो आप लोगों को हमारे साथ एक बॉल गेम खेलनी होगी। टूलियो को लगता है कि अब ये दोनों पकड़े ही जाएंगे। वो मिगेल को बहुत ही फोर्स करता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मिगेल फिर भी नहीं सुनता और ये दोनों रेडी हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। पर ये गेम बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी और इन दोनों का जीतना तो नामुमकिन था। गेम स्टार्ट होती है और ये दोनों तो बहुत ही बुरे तरीके से हार रहे थे। यहाँ पर चैल को एक आइडिया आता है। वो अपने पेट आर्माडिलो को बॉल की तरह रखती है और इन दोनों से कहती है कि इसको यूज करके जीत जाओ, और ऐसा ही होता है। ये दोनों इस बॉल को यूज करते हैं और आराम से गेम जीत जाते हैं, जिसके बाद प्रीस ज़िकाल इनको कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंगली तुम लोगों को ऑपोजिट टीम की बलि देनी होगी। ये बात फिर से सुनकर मिगेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो प्रीस से कहता है कि तुम इस सिटी से आराम से निकल जाओ। यहाँ पर जब ये दोनों बात कर रहे थे तो प्रीस नोट करता है कि मिगेल के माथे से खून निकल रहा है और वो आराम से समझ जाता है कि ये दोनों गॉड्स नहीं, क्योंकि गॉड्स का तो खून नहीं निकल सकता। इसके बाद प्रीस्ट अपने टेंपल में जाता है और कहता है कि जैगवार को जगाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोट रेडी हो चुकी है, बट मिगेल का इस जगह को छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। ये बात यहाँ का लीडर टैना बुक भी देख लेता है, जिसके बाद वो मिगेल से कहता है कि हमारे दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। इस बात से पता चलता है कि लीडर को समझ आ गई थी कि ये दोनों गॉड नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूलियो और चैल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। मिगेल जब ये चीज देखता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि टूलियो के करीब अब कोई और आ चुका है और वो अब उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ का प्रीस्ट यहाँ के एक इंसान की बलि देकर खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है और इसी पावर के थ्रू वो वहाँ के एक पत्थर वाले जैगवार को जिंदा करके यहाँ की सिटी पर हमला कर देता है। जब चैल ये देखती है तो वो इन दोनों से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये तीनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और वो जैगवार इनको फॉलो करता है। फॉलो करते करते वो चैल को पकड़ लेता है, जिसके बाद मिगेल और टूलियो इसका ध्यान बिठाकर चैल को वहाँ से बचा लेते हैं। ये लोग भागते भागते वॉल्केनो के पास भी आ जाते हैं, बट आग भी उस जैगवार का कुछ कर नहीं पाती।
यहाँ पर ये प्रीस्ट कहता है कि इन दोनों को स्पिरिट वर्ल्ड में फेंक देना चाहिए, बट इससे पहले कि वो ही इन दोनों को फेंकता, वो खुद जैगुआर के साथ नीचे गिर जाता है। ये प्रीस्ट पानी के साथ बहते बहते सिटी से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना कोर्टेस से होता है। अब इस प्रीस्ट को लगता है कि शायद कोर्टेस ही गॉड है। दूसरी तरफ कोर्टेस भी उस प्रीस्ट के कानों में गोल देख लेता है। सिटी के अंदर मिगेल सबसे कहता है कि वो तो अब इस सिटी में ही रहेगा, क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद आ गई है। तुलियो को ये बात बहुत ही ज्यादा दुखी कर देती है, पर वो ईगो में आकर कोई बात भी नहीं करता मिगेल से, और वो चेल और गोल के साथ यहाँ से निकलने का प्लान करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी इनके पास भागता हुआ आता है, क्योंकि काफी दूर से धुआं नजर आ रहा था। वो इनको बताता है कि जिकेल कुछ और लोगों के साथ इसी साइट पर आ रहा है। तुलियो समझ जाता है कि ये शायद कोर्टेस ही होगा। इसके बाद वो यहाँ के लीडर टेनाबुक से कहता है कि अपने आदमियों को रेडी कर ले। मिगेल उसको बताता है कि तुम्हारे पास इतने हथियार नहीं कि तुम उन लोगों का सामना कर सको। यहाँ पर टूरियो को एक आइडिया आता है। टूरियो कहता है कि अगर हम अपनी शिप को उन पिलर्स के साथ टकरा दें जो कि वाटरफॉल के अंदर है, तो रास्ता बंद हो जाएगा और बाहर से कोई यहाँ पर आ नहीं पाएगा, बट इस चीज के लिए इन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होगा। जब तक एक अच्छा वाटर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये लोग इतनी फोर्स के साथ उन पिलर्स के साथ टकरा नहीं पाएंगे। टेनाबू के माइंड में एक आइडिया आता है और वो लोगों से कहता है कि एक बहुत ही बड़ी स्टैचू को पानी में गिरा दो ताकि करंट क्रिएट हो और ये बहुत जोर से उन पिलर्स के साथ टकरा सके। अब ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। टूलियो और चेल शिप में बैठ जाते हैं और ये लोग शिप को आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पर स्टैचू गिरने वाला था, बट अचानक से टूलियो की सेल अटक जाती है। मिगेल जब दूर से ये देखता है तो समझ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टैचू इन पर ही गिर जाए। अब वो यहाँ पर एलटीओ के ऊपर बैठ कर तेजी से इनके पास जाता है और मदद करता है ताकि सेल आराम से खुल सके। टूलियो मिगेल से कहता है कि तुम्हें वापस जाना होगा, अगर तुम शिप पर रहे तो तुम वापस सिटी में जा नहीं सको। मिगेल उसे कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारे बगैर उस सिटी में रह नहीं सकता। इसके बाद ये शिप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है, जिसके बाद ये पिलर से टकराती है और एल्डोराडो का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके साथ शिप भी खराब हो जाती है। ये लोग तो पानी में आते ही हैं, पर सारा गोल्ड भी बाहर निकल जाता है। यहाँ पर अचानक से इनकी नजर पड़ती है कोर्टेस पे, जो कि जिकाल के साथ इसी साइड पर आ रहा था। जब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो कोर्टेस देखता है कि सिटी में जाने का कोई रास्ता नहीं। इससे तो उसको क्लियरली लगता है कि जिकाल ने झूठ बोला है, जिसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इसको लेकर वापस चलो और इसको हम अपना कैदी बना लेंगे। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो टूलियो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि सारा सोना तो ये खो चुके थे। यहाँ पर तो ये नोट भी नहीं करता कि एलटीवो के हॉर्सशू गोल्ड के बने हुए हैं। यहाँ पर मिगेल उसे रिलैक्स करता है और ये दोनों बाकी सारी बातों को भूलकर फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड में हम देखते हैं कि मिगेल, टूलियो और चेल एक नए एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।